बढ़ती ठंड को देखते हुए इंडिया समाचार की टीम ने आने जाने वाले यात्रियों और रैन बसेरों का जायजा लिया। आज बस्ती जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए इंडिया समाचार की टीम रात में महिला अस्पताल रैन बसेरा का जब कवरेज किया गई, तो वहां पर कुछ राहगीर ठहराव किए थे। हमारी टीम ने वहां पर ठहरे हुए लोगों से पूछा कि बस्ती नगर पालिका द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा सारी सुविधा मिल रही है, तब वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा सुनिए। इंडिया समाचार में आपका स्वागत है, मैं मोहम्मद टीपी, रिपोर्टर बस्ती। हम इस वक्त बस्ती जनपद के नगर पालिका क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है। हमारे सामने महिला अस्पताल है। आइए हम यहां पे देखते हैं रैन बसेरा और अलाव को लेकर बढ़ती ठंड को देखते हुए, आइए हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे, आइए हम रैन बसेरे को देखते हैं क्या यहाँ की स्थिति क्या है। ये रैन बसेरा है, नगर पालिका द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं किए गए हैं, जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा। आइए हम यहाँ के अंदर की हकीकत को जानते हैं। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि आप यहाँ की स्थिति के बारे में यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे बिस्तरा और कंबल चद्दर सारी लगी हुई है, यहाँ पे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हम यहाँ के स्थानीय यहाँ पे लोग कुछ लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है, सही है, इतना सही है? क्या कहेंगे जिला प्रशासन और नगर पालिका में? आपका क्या नाम है? तुमको श्रीवास्तव। अच्छा ये बताइए क्या यहाँ सही है? चलिए ठीक है, आइए हम आगे कैमरा मैन देखा। अजीत कुमार जी ये बताइए यहाँ की व्यवस्था कैसी है आपकी, क्या क्या आपको सुविधा मिली यहाँ पे? यहाँ पर सब कुछ मिला में नगर पालिका के और जिला प्रशासन द्वारा आपका रिफाइज में। आइए हम कैमरा में लीजिए, अलाव के लिए हम कुछ लोगों से मुलाकात करके हम पूछना चाहेंगे क्या यहाँ के अलाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। महिला चिकित्सालय के साथ हम लोग पूरा यहाँ पर एक कर्मचारी है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे जो यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? विशाल श्रीवास्तव जी। ये बताइए यहाँ पे जो रन बसेरा है, इसको क्या क्या व्यवस्था किया गया? इनका पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, इनको पूरा दिया जा रहा है, इनसे आधार कार्ड हम लोग आपको दे लेते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो कि रजाई गद्दा लेके चला जाए। इनको पूरा सुविधा दिया जा रहा है, ये लोग पूरे आराम के तरीके से खाना पीना भी पूछा जाता है, रात में आता है, ये लोग अपना खाना पीना लेके भी आते हैं, अस्पताल के भी तरफ से रहता है, ये लोग मना कर देते हैं तो कोई नहीं। अच्छा, इस वक्त कितने लोग ठहरे होंगे यहाँ पर? अभी तो सर ये लोग 3-4 लोग हैं, और जो अभी रात में जो लोग आएंगे उनको भी सेवा।